नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड एडवोकेट धर्म सिंह ने किया जनपद बिजनौर का दौरा। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिजनौर के कार्यक्रमों के बाद मंत्री जी पहुंची नजीबाबाद मंडी समिति नजीबाबाद जाफ्तागंज पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा की जिला मंत्री गायत्री निराला व उनके पति रणवीर सिंह निराला ने अपने सैकड़ों समर्थन के साथ राज्य मंत्री एडवोकेट धर्म सिंह का फूल मालाओं से ढोल नगाड़ों पुष्प वर्षा व आतिशबाजी से जोरदार स्वागत किया। स्वागत में मंत्री जी ने स्वागत के दौरान ही कुछ लोगों की समस्या सुनी और उनकी अर्जी ले ली। उसके बाद मंत्री जी खालसा फार्म रायपुर रोड स्थित सतवंत सिंह रंधावा के निवास पर पहुँचे। वहां उन्होंने भोजन किया और भोजन के तत्पश्चात लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाकर उसी समय बात करी। पीड़ितों ने मंत्री की प्रशंसा की। फिर मंत्री जी पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री जी ने बताया कि मेरे दोनों पैर विकलांग होने के बावजूद भी मैं 24 घंटे काम करने की क्षमता रखता हूँ। जैसे हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें 2024 को पार्टी के लिए समर्पित होकर लग्न के साथ बहुत अच्छी सफलता की ओर लेकर जाना है और विजय हासिल करवानी है। उसके बाद मंत्री जी कोटद्वार सिद्धबली धाम के दर्शन के लिए रवाना हो गए। मंडी समिति नजीबाबाद में स्वागत करने वालों में रणवीर सिंह निराला, मिथुन भारती, कोमल हल्दिया, लोकेंद्र सिंह, नगर महामंत्री भाजपा अतुल रोहेला, सभासद ऋषि पाल, नितिन कुमार, यूनुस कुरेशी, सुभाष कुमार सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए आरएन टुडे न्यूज़।